फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आप ओप्पो एफ 17 प्रो इस न्यू मॉडल स्मार्टफोन में आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग कैसे सेटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने स्क्रीन की तरफ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में आप अपना क्वेश्चन कुछ भी लिख सकते हैं इसके बारे में। आपको अगर वीडियो चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकता हूँ इसलिए। तो चलिए आपको ले चलता हूँ अपने स्क्रीन पे, चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका। दोस्तों, अब आप आ चुके हैं मेरे इस स्क्रीन पे। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये ओप्पो एफ 17 प्रो ही है। मैं आपको इसके अबाउट पे ले चलता हूँ, दिखा देता हूँ मॉडल नंबर। ये ओप्पो एफ 17 प्रो ही है। ये एंड्रॉयड 11 का अपडेट भी आ चुका है, जो कि अपडेट हो चुका है। दोस्तों, अब मैं आपको इसके ले चलता हूँ ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग पे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस पे ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग सेटिंग के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले बात करूँ तो ऑटो कॉल इमरजेंसी सर्विस नंबर, इसमें ऐसी कोई भी अभी तक सेटिंग नहीं है जिससे आप कोई इसका ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ओप्पो कंपनी ने इस मॉडल में आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का कोई भी ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया है। दोस्तों, अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का भी उपयोग करते हैं तो दोस्तों उसमें भी कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आएगा, लेकिन ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं स्टार्ट होगा। तो इस कारण दोस्तों कंपनी ने भी इसमें आपको सिर्फ कॉलिंग करने के लिए इसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि ऑटो रिकॉर्डिंग नहीं होगा। दोस्तों, आपको किसी भी वॉइस को रिकॉर्ड करना है तो उसमें सिंपली आपको प्रेस करना पड़ेगा, मतलब वहाँ पे ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का स्विच या मेनू ऑप्शन रहता है, उसमें आपको प्रेस करना पड़ेगा जिससे कि वो आपका कॉल रिकॉर्ड होना चालू हो जाएगा। तो ऐसे ही इस ओप्पो एफ 17 प्रो में ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो इसलिए आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अभी इस नए वीडियो पे।